दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में आज आपको मैं एक एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक ऐसा एप्लीकेशन जिससे आप घर बैठे आसानी से पैसे कमा सकते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि आप इस एप्लीकेशन से 50,000, 60,000, यहाँ तक कि आप 1 लाख भी कमा सकते हैं। अच्छी बात है दोस्तों, अगर आप 1 लाख रुपये कमा लें तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहूँगा दोस्तों, अगर आप इस एप्लीकेशन से काम करते हैं तो महीना में आप 15 से 20 हज़ार रुपया आराम से कमा सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, आराम से 15 से 20 हज़ार रुपये आप कमा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आप जितना भी मेहनत करिएगा दोस्तों, आपका उसका प्रॉफिट जरूर मिलेगा। तो चलिए मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ कि वो कौन सा एप्लीकेशन है जिसमें आप काम करके आराम से घर बैठे 15 से 20 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राज टेक्निकल इन्फो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड का बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल का बटन भी क्लिक कर लीजिए, उसको नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं कोई भी आप लोगों के लिए इस तरह का यूजफुल टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए ले चलता हूँ मैं अभी आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर और समझाता हूँ इस एप्लीकेशन को आप कैसे इंस्टॉल करिएगा, कैसे यूज़ करिएगा, कैसे आप सेलिंग करिएगा, कैसे आप सेलिंग वाला प्रॉफिट को अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। टोटल चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगा। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पे। ओके दोस्तों, अभी सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ये रहा एप्लीकेशन, ठीक है, मीशो। आप इसको लिख के सर्च करके इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद में इसको ओपन करते हैं, आपको सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा दोस्तों। अब यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं अभी अपना नंबर लिख देता हूँ। नंबर लिखने के बाद में सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके नंबर पे ओटीपी आया दोस्तों, उस ओटीपी को यहाँ पे लिखेंगे। मैं अभी ओटीपी लिख देता हूँ उसमें। ओटीपी लिखने के बाद में वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। आपका वेरीफाई हो चुका है दोस्तों, ठीक है। अभी आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अभी आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, आप फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करिए, अगर आप मेल है तो मेल पे सेलेक्ट करिए। तो चलिए मैं भी अपना मेल पे क्लिक कर देता हूँ। अभी दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, लेकिन अभी आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। अभी आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करिए, यहाँ पे लिखा हो माय बैंक डिटेल। ओके, यहाँ पर आपको अपना पासबुक का फ़ोटो या चेक का फ़ोटो यहाँ पर ही आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद में यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखिए, कन्फर्म अकाउंट नंबर लिखिए, अकाउंट होल्डर नेम लिखिए, IFSC कोड लिखिए, ठीक है। तो ये सब लिखने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट करना है। तो मैं अभी इसको नहीं करूँगा, मैं इसे बाद में करता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, होते हैं बैक। यहाँ पे दोस्तों आपको लिखा हुआ बिजनेस लोगो, ठीक है, आप इस पर क्लिक करिए। अभी आपको यहाँ पर अपना बिजनेस नेम क्रिएट करना है। तो चलिए मैं भी अपना बिजनेस नेम रख देता हूँ। तो मैंने अपना बिजनेस नेम लिख दिया दोस्तों, राज स्टाइल कलेक्शन। अब इस पर जनरेट पर क्लिक करेंगे। आप जो भी नाम रखिए दोस्तों, आपका नाम आपका बिजनेस नेम से यहाँ पर लोगो बन के रेडी हो जाएगा, आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप जो भी आपको आपको जो अच्छा लगता है अपना लोगो आप सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगर आपको कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हैं, अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मुझे ऐसा कुछ करना नहीं है तो मैं कंफर्म कर देता हूँ इसको। ओके, अभी मेरा लोगो रेडी हो गया है। अब चलते हैं बैक। ये पूरा सारा अपडेट हो जाने के बाद दोस्तों आपको आपको एक काम और बाकी रह जाता है। अभी क्या करना है आपको, यहाँ पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करिए। दोस्तों यहाँ पर ही आप अपना पिक्चर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी पिक्चर रखना है यहाँ पर आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं। आपको अपना नाम इंटर करना है, फ़ोन नंबर इंटर करना है, ईमेल आईडी, जेंडर, लैंग्वेज, ऑक्यूपेशन। अगर आप अपने बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। यहाँ पर बिजनेस नेम शो होने लगेगा, आपको जो भी बिजनेस नेम रहेगा यहाँ पर आपको शो होने लगेगा, ठीक है। उसके बाद पिन कोड है, उसके बाद पिन कोड, सिटी, स्टेट, ठीक है दोस्तों। सिंपल सा चीज़ है, आप इसको आराम से फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेव पे क्लिक करना है। ओके, आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मैरिटल स्टेटस,
सिंगल है कि मैरिड है आप वो लिखिएगा, नंबर अगर आप मैरिड है तो नंबर ऑफ किड्स लिखिएगा, एजुकेशन आपका क्या वो लिख दीजिएगा, और मंथली इनकम आपका कितना वो लिख दीजिएगा, ठीक है। ये सारा कुछ लिखने के बाद में सेव पर आप सिंपल क्लिक कर दीजिए। ये सारा कुछ लिखने के बाद दोस्तों आपका प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन जो कंप्लीट हो जाएगा। ओके दोस्तों, अभी आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया पूरी तरीक़े से, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसमें से कुछ भी सामान कैसे सेल करिएगा। ओके, तो सेल करने के लिए क्या करना दोस्तों, आप आइए कैटेगरी में। कैटेगरी में आने के बाद दोस्तों जैसे मान लीजिए मैं मैन सेलेक्ट करता हूँ, टी शर्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब सपोज डेट मान लीजिए मुझे ये टी शर्ट अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये अगर मैं अपने दोस्तों को दिखलाऊँ तो हो सकता है कि वो भी ले लें, तो मैं चाहता हूँ कि ये टी शर्ट जो है अपने दोस्तों में शेयर करूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर शेयर का आइकॉन बना हुआ, आप इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में व्हाट्सएप में क्लिक करेंगे। व्हाट्सएप में क्लिक करते साथ दोस्तों आपका व्हाट्सएप अकाउंट सामने आपका ओपन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इसको दिखाना चाहता हूँ वो टी शर्ट, तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ सेंड पे क्लिक करूँगा, टी शर्ट का इमेज था टोटल आ गया है। साथ ही देखिए यहाँ पर मेरा जो कंपनी बिजनेस लोगो था ये भी शो हो रहा है, इसी तरह से आपका भी लोगो शो करेगा दोस्तों। तो ये होने के बाद क्या करना है, यहाँ पे सेंड पे क्लिक करना। अब जैसे ही सेंड पे क्लिक करें दोस्तों ये इमेज जो है उस बंदे के पास में चला जाएगा। ओके ओके दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे जितना भी इमेज था टी शर्ट का इस बंदे के पास में चला गया, लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें क्या है दोस्तों, इसमें जो आपका पूरा डिटेल है, ओके डिटेल इसमें अभी आपका शो नहीं कर रहा। तो डिटेल शो कराने के लिए क्या करना हो दोस्तों, फिर से आपको वापस जाना होगा एक बार, फिर से वापस जाएंगे, फिर से दोबारा व्हाट्सएप का पेज खुल जाएगा। आप फिर उसी बंदे को सेलेक्ट करिए जिसे जिसे आपने अभी इमेज भेजा है। सेलेक्ट करने के बाद में सेंड पे क्लिक करेंगे, अभी देखिए आपको टी शर्ट से रिलेटेड पूरा डिस्क्रिप्शन जो है पूरा शो होने लग गया। ओके, अभी आपको क्या करना है, सेंड पे क्लिक करना है। अब क्या है दोस्तों, वो बंदा जो है टी शर्ट का फ़ोटो देखेगा, अगर उसको टी शर्ट पसंद आता है तो यहाँ पे डिटेल देखेगा, तो यहाँ पे डिटेल चेक कर लेगा कि उसका साइज़ यहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं है। अगर अवेलेबल रहता है तो फिर वो आपसे कॉन्टेक्ट करेगा। अगर वो कॉन्टेक्ट करता है तो फिर आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। वापस चलते हैं मीशो एप्लीकेशन में, ठीक है। अब जिस चीज़ का भी इमेज अपने दोस्तों में भेजिएगा, शेयर करिएगा, वो चीज़ जो है आपका यहाँ पर हार्ट शेप जो बना हुआ है इसमें आपका सेफ रहेगा, ठीक है, यहाँ पर आपका सेफ रहेगा। तो जैसा मान लीजिए आप टी शर्ट अपने दोस्त को भेजे थे, उसे टी शर्ट पसंद आ गया, आप उसे चाहिए टी शर्ट, तभी आपको क्या करना है, इसी हार्ट शेप पे क्लिक करेंगे। हार्ट शेप पे क्लिक करने के बाद यहाँ शेयर है, शेयर में क्लिक करेंगे। शेयर पे क्लिक करते साथ आपको सामने जो भी आप शेयर किए होंगे अपने दोस्तों में उसका इमेज जो है आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आपने ये टी शर्ट शेयर किया था तो उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों उसने कलर कौन सा डिमांड किया, ब्लैक डिमांड किया या वाइट डिमांड किया, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए सपोज़ मान लीजिए उसने ब्लैक डिमांड किया था तो मैं ब्लैक पे रखता हूँ, ठीक है। रखने के बाद में आप थोड़ा नीचे आइए, नीचे आने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ साइज़ लिखा हुआ, सेलेक्ट साइज़, उसको क्या साइज़ का चाहिए, मीडियम है, लार्ज है, एक्सेल है, उसने जो भी साइज़ कहा होगा आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक्सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप थोड़ा नीचे आइए, नीचे आने के बाद यहाँ लिखा हुआ ऐड टू कार्ट, ठीक है, आप इस पर क्लिक करिए। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कस्टमर डिटेल देना है पूरा, नेम, फ़ोन नंबर, हाउस नंबर, बिल्डिंग नेम, रोड नंबर, एरिया, कॉलोनी, पिन कोड, सिटी, स्टेट, ठीक है, टोटल चीज़ आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में सेव एड्रेस एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो ओके, मैं अभी पूरा एड्रेस फिल कर देता हूँ। ओके, अभी आपके सामने इस तरह पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा, आप कैश ऑन डिलीवरी कराना चाहते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं या पेटीएम से करना चाहते हैं, ठीक है, आपको जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप वैसा पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। देखिए यहाँ पर टोटल जो दिखा रहा है 164 है, ठीक है। अब आपको इसमें प्रॉफिट कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद आपको जो रेट डालना आप डाल सकते हैं, तो 164 उसका रियल प्राइस है, तो चलिए मैं
250 कर देता हूँ या 300 कर देता हूँ। ठीक है, 300 करने से दोस्तों देखिए यहाँ पे बता रहा है योर मार्जिन 136 रुपीज़। ओके, जैसे ही कस्टमर प्रोडक्ट परचेस कर लेता है तो आपके साथ ही साथ आपका मार्जिन जो है 136 रुपीज़ जो है 1 से 2 दिन के अंदर में आपके अकाउंट में आ जाता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे रेट लिखने के बाद में आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब फिर इसके बाद जैसे आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करोगे आपका जो ऑर्डर है प्लेस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये तो हो गया पहला ऑप्शन कि आप कैसे पैसा कमा सकते हैं मेज़ो एप्लीकेशन से। अब मैं आपको बताता हूँ सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए बैक चलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ रेफ़र एंड अर्न। ठीक है, आप इस पर क्लिक करिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रेफ़र फ्रेंड्स एंड अर्न अप टू 1000 पर रेफ़रल। ठीक है, मतलब कि आप जिसको रेफ़र करिएगा अगर वो आपका रेफ़र कोड यूज़ करके आपको कोई चीज़ सामान सेल करता है, कम से कम 3 ऑर्डर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट 3 ऑर्डर। ठीक है, अगर वो 3 ऑर्डर सेल कर देता है तो आपको 25% आपको कमीशन मिलेगा दोस्तों। ओके, तो ये हो गया कि आप कैसे रेफ़र से आप पैसा कमा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप रेफ़र कोड कैसे सेंड करिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रेफ़र एंड फ्रेंड, इस पर क्लिक करिए, व्हाट्सएप पर क्लिक करिए, जिसको सेंड करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। आप सेलेक्ट करने के बाद में सेंड पे क्लिक कर देंगे। अभी मैं सेंड पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर मैं रेफ़र कोड दिया हुआ है, अगर वो बंदा मैं रेफ़र कोड यूज़ करके मेसो एप्लीकेशन ओपन करता है और 3 प्रोडक्ट जो है सेल कर देता है तो मुझे 25% का बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। ठीक है, और मान ली सपोज दैट कि अगर वो रेफ़र कोड यूज़ नहीं करता, अगर लिंक पर क्लिक कर देता है तो लिंक पर क्लिक करके भी अगर वो अकाउंट अपना ओपन करता है दोस्तों तो भी आपका वो रेफ़र कोड ऑटोमेटिक इसमें आ जाता है। ठीक है, मिलते हैं वापस। तो दोस्तों ये था मेसो एप्लीकेशन के बारे में। अगर आप दिन भर में 10 प्रोडक्ट भी सेल कर देते हैं तो 100 के हिसाब से कम मान के चले कि आपको 1000 रुपये तो बेनिफिट हो नहीं होना। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो मीशो एप्लीकेशन के ऊपर में। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इस एप्लीकेशन को आप कैसे ओपन करके, कैसे यूज़ करके, कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। और अगर दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया होगा, कुछ अगर आपको पूछना है मेरे से तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट जरूर से रिप्लाई। और हाँ दोस्तों, अभी तक अगर मैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल का आइकन भी क्लिक कर लीजिए, उसको नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इसी तरह से अपने भाई का सपोर्ट करिए क्योंकि आपको सपोर्ट से मुझे मोटिव मिलता है दोस्तों और अच्छे से अच्छे टॉपिक पर वीडियो बनाने का। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्दी कुछ दूसरे यूजफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।